भारत के चाय निर्यात, जिसे वैश्विक बाजार में कम कीमतों पर केन्याई चाय की उपलब्धता के कारण भारी नुकसान हुआ, उसमें अब सुधार हो सकता है। केन्याई सरकार ने देश में चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए चाय के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है। केन्या चाय विकास एजेंसी ने मुंबासा नीलामी में संसाधित चाय के लिए $2.43 प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है। इसलिए भारतीय और केन्याई चाय की कीमतों में अंतर कम हो गया है और भारतीय उत्पादकों को काली चाय के लिए पश्चिम एशिया, रूस, कजाकिस्तान और अमेरिका से निर्यात के लिए पूछताछ शुरू हो गई है। इस साल भारतीय चाय को केन्याई चाय से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि केन्याई चाय की कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम से कम थी। सर्दियों के मौसम के आगमन के साथ चाय का उत्पादन रुकने से पहले अगले 3 महीनों में ताज़ा वैश्विक मांग पर सवार होकर निर्यातक 2021 में 200 मिलियन किलोग्राम निर्यात के आंकड़े को पार करने की उम्मीद कर रहे हैं। टी बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जनवरी जुलाई की अवधि में 271.38 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत कीमत पर 100.78 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जबकि एक साल पहले यह 117.56 मिलियन किलोग्राम था। पिछले साल औसत कीमत 224.21 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इंडियन टी एसोसिएशन के सचिव का कहना है कि केन्या ने मिश्र के साथ शून्य शुल्क का लाभ उठाया है और पाकिस्तान के साथ तरजीही क्विड प्रो ट्रेड एग्रीमेंट चाय बनाम चावल किया है, जो चाय का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। इन दोनों देशों में केन्या से 17.5 करोड़ किलोग्राम से अधिक चाय का आयात होता है। एक अन्य चाय उत्पादक देश श्रीलंका ने उच्च आयात शुल्क वाले चाय उत्पादक देश तुर्की के साथ वस्तु विनिमय व्यवस्था की है और अब तरजीही व्यापार समझौतों के लिए चीन और बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रहा है। भारत के पास ऐसा कोई फायदा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।